हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में ये पांच गलतियां नहीं करना है, वरना आपके बहुत कम नंबर आएंगे, हो सकता है कि आप लोग फेल भी हो जाओ। तो आज मैं आपको पांच ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये पांच गलतियां, और ये पांचों गलतियां आपको देख कर ही जाना है, क्योंकि ये पांच गलतियां आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में कभी मत करना, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो आज मैं पांच गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, ये पांच गलतियां आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हूं सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको हर एक ऐसे ऐसी वीडियो लाता हूं ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलो मैं एक एक गलतियों के बारे में बताता हूं। नंबर फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा, फिर सेकंड भी बताऊंगा, यहां से सेकंड भी है, थर्ड भी है, एंड फोर भी है। सारी गलतियां जितनी भी हैं मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, नंबर फर्स्ट मैं आपको फर्स्ट गलती बताता हूं। ये गलती मैंने एक वीडियो में और बताया था, तो आप लोग छोड़कर मत जाना, ये बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो आज मैं आपको समझाता हूं। ये अगर आप इसमें कोई भी गलती करते हो तो फिर आप फेल समझ लो अपने आप को, क्योंकि यही है बारीक चीज जो आपको समझना है। ये गलती आपको नहीं करना है। नंबर सेकंड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर थर्ड वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये गलती मैंने एक वीडियो में बताया था लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया था। रोल नंबर का अर्थ क्या है? जो आपके रोल नंबर होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लाइक एज आपका कोई भी रोल नंबर हो, आपका रोल नंबर लाइक एज आता है 28, 13, 450, ऐसे आपके रोल नंबर्स आते हैं और उसको आपको फिल करना होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है उसमें भी नीचे लिखना रहता है। उसको नीचे क्यों लिखा जाता है, ये कभी सोचा है? क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी बदल ना जाए। और अगर आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी बदल जाएगी तो फिर क्या होगा कि आप अगर लिखोगे 100 में 90 मार्क का और कोई वही बदल जाए वो 70 ही मार्क का लिखे, तो फिर आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर कम हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि बोर्ड एग्जाम की हर एक पेज पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। ये है आपको, मैंने इसीलिए बताया था कि रोल नंबर इज मस्ट, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग गलत रोल नंबर मत याद करो। बहुत सारे स्टूडेंट गलत रोल नंबर याद कर लेते हैं। गलत रोल नंबर अगर आप याद करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप फेल भी हो जाओगे, क्योंकि गलत रोल नंबर अगर आप डालोगे तो फिर आपकी जो कॉपी रहेगी नहीं, उसमें कोई नाम नहीं होता, आपका रोल नंबर ही मेन है। अगला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट आपको करेक्ट डालना है। जिस दिन हिंदी का पेपर है हिंदी का डालो, इंग्लिश का है इंग्लिश डालो, सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान डालो, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आप गलत डालोगे तो फिर पेपर कोड अगर वो मिलाएगा नहीं मिलेगा तो फिर आपकी कॉपी में कुछ नहीं रह जाएगा। पेपर कोड आपके पेपर में लिखा रहता है, सीधा पेपर कोड आपके पेपर जो देंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें लिखा रहता है पेपर कोड कौन सा है, और उसमें आपका पूरा पेपर कोड लिखा रहेगा और आपको पेपर कोड ध्यान से फिल करना है। क्योंकि अगर आपका पेपर कोड है लाइक आपका कोई भी कोड है, तो अगर आप वो कोड थोड़ा सा भी गलत कर दोगे तो आपका दूसरे पेपर से कॉपी चेक करना स्टार्ट कर देगा एग्जामिनर, और उस कोड को अगर देखेगा यार ये तो गलत लिखा है, तो फिर आपका पूरा कॉपी कट कर देगा और आपको कुछ मार्क नहीं मिलेगा। पेपर कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है सिग्नेचर। ये भी मैंने आपको बताया था, सिग्नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है? सिग्नेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रेजेंटिटी देखता है, प्रेजेंट है या नहीं। अगर आप सिग्नेचर नहीं करोगे इसका मतलब आप बोर्ड एग्जाम देने नहीं गए हो, तो आपको ये सिग्नेचर जरूर करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपकी प्रेजेंट ही नहीं रहेगी, तो फिर आप हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आप बोर्ड एग्जाम ही नहीं दिए हो। तो आप लोगों को सिग्नेचर, रूल नंबर, सब्जेक्ट, पेपर कोड, ये ध्यान से भरना है। थोड़ी सी भी गलती करोगे, थोड़ी सी भी बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक करोगे तो फिर बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। ये पहली मिस्टेक है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लेकिन मैं आज आपको फिर से बता दिया हूं दूसरी गलती आपको क्या नहीं करना है। दूसरी गलती आज मैं आपको बताऊंगा, जो दूसरी गलती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो होती है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको अच्छे से दी जाएगी। जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है, आपको लंबी चौड़ी बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी, लेकिन आपको जो फर्स्ट पेज है, बच्चे गलती यही कर देते हैं, फर्स्ट पेज में काट पीट एंड गलत उत्तर कभी मत लिखना। देखो ये गलत मैं बता रहा हूं कि सही चीज बता रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं। देखो अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है और फर्स्ट पेज में आपने काट पीट गलत आंसर काट पीट खूब काट पीट किया, तो एग्जामिनर समझ जाएगा इन्होंने कहीं से नकल किया है, या फिर इनको याद नहीं था, बार बार सोच सोच कर लिखे गलत हो गया, फिर इन्होंने काट पीट किया, इसका मतलब पूरे कॉपी में ऐसे ही किए होंगे, तो वो आपकी कॉपी उतना ध्यान से नहीं चेक करता। आप भले ही अच्छे से लिखे हो बीच में, लेकिन आगे का जो आपका कॉपी के हिसाब से आपको पूरे पेज में मार्क देगा।
तो आपको फर्स्ट पेज में थोड़ी सी भी काटपीट नहीं करनी है और गलत उत्तर नहीं लिखना है। अगर आपको वो उत्तर कंफर्म नहीं है तो आप दूसरा आंसर, आप दूसरे का आंसर लिखो। लाइक इज आपको पहला आंसर नहीं आता तो आप दूसरे का लिखो, तीसरे का, चौथे का, लेकिन आपको फर्स्ट पेज में कभी भी काटपीट नहीं करना है। ठीक है, ये है आपका, क्योंकि अगर आप काटपीट करोगे तो समझ लो आपका बोर्ड एग्जाम में कभी भी नंबर नहीं उठेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट पेज इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पेज में आपको काटपीट नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको साफ सुथरा लिखना है और अच्छा सा पेन ले जाओ, फिर आप अच्छे से लिखो। तीसरी नंबर गलती जो है कि पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने घंटे होता है, 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। अच्छा, आपको 3 घंटे ही दे सकता था क्योंकि आपको 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना था, 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना, कि 15 मिनट क्यों दिया? बच्चे कहेंगे पेपर पढ़ने के लिए। तो आखिर आप पेपर 15 मिनट ध्यान से पढ़ते क्यों नहीं? आप लोग, मैंने देखा है जैसे ही मिलता है आप लोग स्टार्ट कर देते हो लिखना, उसका आंसर लिखना। नहीं, आपको अगर 3 घंटे 15 मिनट मिला है तो आपके 3 घंटे में नहीं, आपके 2 घंटे में पेपर हो जाएंगे अगर आपको पूरा पेपर आता है। 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है। कैसे? आपको पेपर को उठाना है, जितने पेजेज हों आपको ऐसे पूरा पेजेज पढ़ लेना है पलट पलट कर, कि हाँ आई एम पॉसिबल या एम पॉसिबल। लाइक इज आप 90 मार्क 95 मार्क करने में पॉसिबल हो या फिर एम पॉसिबल हो, तो आप जितना अगर कर पाते हो पहले उतना कॉपी में करो, क्योंकि अगर आप उतना कर लोगे तो फिर अच्छा रहेगा। फिर आप जो नहीं आता उसके बारे में सोचो, कहीं से भी अपने आप से सोचो, ठीक है, कि हाँ कुछ ना कुछ लिख कर आओ, खाली पेज नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। उसके स्थान पर आप कुछ भी लिख दोगे तो बोर्ड एग्जाम के जो एग्जामिनर हैं वो आपको कुछ मार्क देकर ही जाएंगे। और आप लोग 15 मिनट आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप जैसे पहुंचो आप लोग सीधा लिखना स्टार्ट कर दो, नहीं, आपको 15 मिनट ध्यान से पेपर को पढ़ना ही है कि आखिर मैं कितना जानता हूं इस पेपर में, कितना मुझे आता है, 70 मार्क का पेपर है, क्या मैं 65 मार्क कर लूंगा या फिर 60 मार्क कर लूंगा, ये सब आपको देखना है। क्योंकि ये अगर आप पहले ही जान जाओगे तो फिर आपको हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में जो आपका पेपर है वो काफी ज्यादा इजी लगे और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और डरना नहीं है, आपके कोई भी एग्जामिनर आए या फिर कुछ भी आए तो आपको डरना नहीं है यार, क्योंकि आपने पूरा किया है, आपको पूरा पता है, वहां कैमरे लगे होते हैं, कुछ भी होगा पूरा कैमरे में देखा जाएगा। आपको डरना नहीं है, सीधा आपको अपना आंसर लिखना है, अगर आपको आता है तो लिखो, नहीं आता है तो आप बैठे रहो, क्योंकि आपने मेहनत किया नहीं तो नहीं आएगा। फिर देखो जो उत्तर आता है उसे पहले लिखो। बच्चा पार्टी, यहाँ कहीं भी ऐसा कॉपी में नहीं लिखा है बोर्ड एग्जाम में, पहले 1 नंबर वाला क्वेश्चन लिखो, तब 2 नंबर वाला, तब 3 नंबर वाला, तब 4 नंबर वाला, तब 5 वाला। नहीं, आप इस 5 को पहले लिख सकते हो, 1 को बाद में, 2 को, 3 को पहले, 1 को बाद में, क्योंकि आपको जो उत्तर आता है उसे पहले लिखो। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको जो नहीं आता है, पहला क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उसी के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं, आपको जो उत्तर आता है, जिस क्वेश्चन का उत्तर आता है उसे आप पहले लिखो, और अगर आप उसे लिख दोगे तो फिर आप लोग सोचोगे हाँ मैंने इस उत्तर को लिख दिया, अब मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। अगर आपका टाइम बचता है तो आप उस क्वेश्चन को देखो, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, तो उसके पीछे आपको अपना टाइम लॉस नहीं करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वहां का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आपको एक काम नहीं करना है जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं, मैंने भी देखा है, जो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे, यानी कि 100 रुपये का नोट, 200, 500, 2000 का कभी मत रखो। देखो मैंने देखा 2000 तक का जो पैसे हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रख दिए जाते हैं, नहीं, आपको ये कभी मत करना है, क्योंकि वहाँ कैमरे, बाकायदा कैमरे लगे होते हैं, तो फिर कैमरे में अगर वो कैद हो जाएगा, अगर उस पैसे को रख लेगा एग्जामिनर तो वो पकड़ जाएगा और उसकी जो नौकरी है वो भी चली जाएगी। तो यहाँ आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इससे एक भी मार्क का फायदा नहीं होने वाला है, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसा नहीं करना है, ये सब चीज़ें बहुत ही गलत है, नहीं, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है। आपको खुद से जितना आता है उतना लिखो, अगर आपने जैसा पढ़ा है वैसा मार्क पाओगे। रेड पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है, आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन लेना है, नई, बिल्कुल नई पेन मत लो। आप उस पेन को 2-3 दिन चलाओ, देखो जब वो स्पीड पकड़ लेता है तब फिर आप उसे ले जाओ। बिल्कुल नई पेन जो होती है ना वो बिल्कुल छोड़ छोड़ कर चलती हैं और वो आपका बिल्कुल अच्छे से नहीं चलती। आप 1-2-5 पेन ब्लू, 5 पेन ब्लैक ले लो, ठीक है, फिर उसे आप 5 डेज या फिर नहीं 5 नहीं
3 डेज आप उसे चलाओ, थोड़ा थोड़ा चलाओ कि वो स्पीड पकड़ ले, कि बोर्ड एग्जाम में अगर मैं लिखूं तो खटखट तेजी से लिखना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगर आप तेजी से लिखोगे तभी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। तो ये आपको नहीं करना और रेड पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है। और आप पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण गलती है वो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में गाना गाली कसम बिल्कुल मत लिखना, या फिर बिल्कुल भी ना लिखें, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपका ये सही नहीं रहेगा, आपको एग्जामिनर हो सकता है कि पासिंग मार्क देना चाहे तो भी आपको 0 मार्क देगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नहीं लिखा जाता। ये सारी चीज़ें अगर आप लिखोगे तो फिर आपको नंबर कौन देगा भाई, आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखना। अगर आपको नहीं आता तो आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो, ठीक है, फिर भी कुछ मार्क एग्जामिनर दे देगा। लेकिन आप गाना लिख रहे हो, गाली लिख रहे हो, कसम लिख रहे हो, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी अवॉइड है। तो ये है हमारे आपके जो 5 गलतियां जो बोर्ड एग्जाम में बच्चे ज्यादातर करते हैं, तो ये 5 गलतियां आपको नहीं करना है। अगर आप करने की सोच रहे हो या कर रहे हो तो आप मत करना, क्योंकि वैसे भी अगर आप जैसा पढ़े हो उतना ही मार्क पाओगे, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जितना आप बोए हो उतना ही फल पाओगे। तो यहां से आज मैंने ये 5 गलतियां बता दी जो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं करना है। अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आप लोगों का नंबर भी कम हो जाए और कुछ बच्चे इसी के चक्कर में फेल भी हो जाते हैं। तो यहां से अगर आप ये 5 गलतियां करना चाहते हो तो भी नहीं करना, और अगर आप कर रहे हो तो सुधर जाओ। तो यहां से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है ताकि उन्हें भी पता चल सके कि मैं इस गलती को करता हूं या नहीं, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको पूरी तैयारी कराने के लिए तैयार हूं। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।